नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नवरात्रि में पूजा करने की अलग अलग विधियां हैं, उन्हीं विधियों को सही विधि विधान से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजेश शुक्ला का प्रणाम। साधनाओं का काल लगभग पूरा होता हुआ नवरात्र के पर्व में जब माता महागौरी और इनको प्रसन्न करने के बाद तो सिद्धियां ही सिद्धियां प्राप्त होती है माता सिद्धिदात्री के द्वारा। माता महागौरी, जैसा कि नाम है, पूर्ण शिव का रूप और इसके साथ ही अष्टभुजी और इसी के साथ ही सिंह पे सवार वाहन, इनका सिंह, तलवार इत्यादि और त्रिशूल इत्यादि। त्रयशूल निर्मूल लमशूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। तो ठीक अपने भोलेनाथ की तरह ही माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप आदि शक्ति की उपासना होती है। धन वैभव सुख शांति की ये अधिष्ठात्री देवी हैं, बिना इनकी कृपा के ये सब कुछ नहीं प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती के माध्यम से चरित का पाठ करना विशेष माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन व्रत जो लोग नहीं रह पाते, केवल अष्टमी का दिन अगर करते हैं तो नवमी को पारण कर सकते हैं। 8वें दिन का व्रत करने से ही पूरे 9 दिन के व्रत का फल मिलता है। अष्टमी तिथि माता महागौरी को नारियल या नारियल से बनी हुई चीज़ों का, वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। भोग के बाद नारियल किसी ब्राह्मण पुजारी इत्यादि को दे दें, प्रसाद इत्यादि में आप बाँट सकते हैं। कन्या पूजन करते हैं, हलवा पूड़ी इत्यादि, सब्जी, काले चने इत्यादि भी, ये जरूर आप सब प्रेम ओम देवी महागौरे नमः इसका पाठ करते हुए, साथ ही जातक जो कन्या पूजन कर रहे हैं वह कन्याओं को लाल चुनरी इत्यादि चढ़ाते हैं। आप देखेंगे शक्ति का अपार रूप। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, माता की तस्वीर इत्यादि लगाए, सिंदूर से पूजन करें। माता दुर्गा का यंत्र भी आप ला के पूजन कर सकते हैं। आठवें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजन कर सकते हैं। और निश्चित रूप से साधक हैं तो साधनाओं का लाभ, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में लाभ जरूर प्राप्त होगा। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, थोड़ा सा सोच समझ कर आपको चलने की आवश्यकता देखी जा रही है। नेगेटिव थॉट आपके बाहर होते हैं, यानी कि आपकी जो संप्रेषण क्षमता है वो पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो रही है। योग्यताओं का क्रियान्वित करने की जगह आप रोक रहे हैं योग्यताओं को, ये ना करें। परिवार में कई महत्वपूर्ण कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा और प्रसन्नता ही आपका ग्रोथ इंजन रहेगा। पूर्णिमा इत्यादि का व्रत और इसके साथ ही आप कनकधारा स्तोत्र को सुने, जरूर लाभ होगा। गुलाबी और काला रंग सही है आपके लिए, छह कांग भी। जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। वृषभ राशि वालों के लिए जो समय है इसमें परिवार में शुभ कार्य भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों, माली हालत भी आपकी अच्छी होती हुई देखी जा रही है, यानी कि आपको फाइनेंशियल गेन होंगे, नए कार्य करने के अवसर भी आपको प्राप्त होते हुए देखे जा रहे हैं। वृषभ राशि वालों का भी एक और भी है, रियल एस्टेट गृह निर्माण के योग हैं। मछलियों को आप दाना खिलाइए, आप मत्स्य सेवा करिए। शुभ अंक 19, शुभ रंग लाल। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आत्मबल से ही सारे कार्य आपके संपन्न होते हुए देखे जा रहे हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरा होने का अब समय आ चुका है, नज़दीक है। आर्थिक लाभ आपको होगा और एकेडमिक कैरियर में भी आपका उत्तम रहेगा प्रभाव। वृषभ का भी और मिथुन का भी नया कार्य कर सकते हैं आप, तो नए कार्य में विद्या से धन इत्यादि अर्जित कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उपाय में बहुत सिंपल है, दूसरों की बातों में ना आए, अपना आप ध्यान लगाएं। दो कांग नारंगी रंग शुभ है। बात करते हैं कर्क राशि की। आपके मान में सम्मान में वृद्धि होती हुई देखी जा रही है। मान सम्मान की वृद्धि से आप कुछ बातों को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। योजनाएं आपकी सफल होती हुई देखी जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में आपका अच्छा विकास, डेवलपमेंट होता हुआ देखा जा रहा है। गृह निर्माण के योग दिख रहे हैं कर्क राशि वालों। रियल एस्टेट में लाभ होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बड़ा कार्य कर सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, जल अर्पित करें। आप देखें महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं पूरी होंगी। सफेद रंग 7 का अंक आपको लाभ देगा। सिंह राशि, व्यापार के अवसर मिलना आपको चालू हो जाएंगे। रेगुलर मान सम्मान का, अच्छे मान सम्मान का योग बन रहा है। दीर्घकालिक मान सम्मान का योग बन रहा है। भूमि भवन से अपार धन लाभ भी हो सकता है। रुका हुआ धन तो प्राप्त आपको हो गई होगा। सिंह राशि वालों की आज बड़ा अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है। न्यायालय से भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं।
आज गायत्री की उपासना करें और माता महागौरी की उपासना करें। लाल रंग एक का अंक शुभ है। कन्या राशि वालों की बात करें, आपके लिए समय उत्तम उत्तम चल रहा है, लाभ मिलेगा, व्यापारिक प्रगति आपको होती हुई देखी जा रही है और इसी के साथ ही चौतरफा लाभ मिलेगा। आय के साधन आपके बढ़ते हुए, लगातार स्पीड पकड़ते हुए, लगातार रुके हुए कार्यों को आप करते हुए साधना कर लीजिएगा। नवरात्र में बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। चिड़ियों को दाना खिलाइए, विहग यानी पक्षियों को। नौकांक्षी ग्रीन कलर आपके लिए शुभ है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, यानी कि आपका मन चेष्टा जो करेगा वो प्राप्त करेगा। आपकी योजनाएं पूर्ण होती हुई देखी जा रही हैं। तुला राशि वालों, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तो शुक्र ही धन के दायक हैं, प्रबल योग बना रहे हैं। मन प्रफुल्लित रहता हुआ आपका दिखाई देगा। ये सबसे बड़ा धन है कि मन का प्रफुल्लित होना। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न है। चींटी को गुड़ आटा ये आप डाल सकते हैं। सात का अंक नीला रंग आपके लिए शुभ है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, आपको व्यापार लाभ होता हुआ देखा जा रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण आपका सुधर रहा है। उद्योग है, किसी प्रकार का उद्योग कर रहे, छोटा बड़ा, उसमें विस्तार प्राप्त कर सकते हैं। तनाव में ना रहें, बस तनाव से बचने की चेष्टा करें। अपना जो काम है उसको करते रहें, गुस्से पर नियंत्रण करें, अपनी चीज़ों पर लगे रहें। परिवार में समय देना आपके लिए हितकर रहेगा। गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। गौ सेवा प्रधान सेवा है, मैं बार बार कहता हूँ, जरूर करना चाहिए। आठ का अंक केसरिया रंग शुभ है। अब हम बात करते हैं धनुराशि की। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, खीज से बचें, तनाव से बचें, प्रॉपर रेस्ट लें, इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। अग्नि प्रधान राशि है आपकी, मन को ध्यान में लगाइए, आप ध्यान कर सकते हैं। थोड़ा सा आप सफल भी रहेंगे अपने को संयमित करने में, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए। पीले रंग का वस्त्र मंदिर में दान करें। पीला आपके लिए आपके राशि का ही है। नौ का अंक केसरिया रंग शुभ है। धनुराशि के बाद अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मन आपका नियंत्रण खो सकता है आज। आज आप ब्रेक लगाने में सफल नहीं रह पाएंगे। मन को अपनी स्थिति को संतुलित लेकिन रखना आपके लिए ज्योतिषीय सलाह है। बेवजह लेकिन परेशान नहीं होना है, कोई खास वजह हो तो ही आप सोच सकते हैं किसी चीज़ को। छोटी छोटी बातों से आप परेशान हो जाते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको दूर सरसों के तेल का दीपक अखंड ज्योत आज से कल तक जरूर चलाएं। काला रंग शुभ है, एक का अंक उत्तम है। कुंभ राशि, आपको भी मकर राशि की ही तरह मन को नियंत्रण रखने का प्रभाव देखना पड़ेगा। आय के साधन आपके 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से गुणात्मकता से बढ़ेंगे। अज्ञात कारण आपको चिंता दे सकता है, कोई भी अज्ञात कारण, लेकिन भाग्य से कार्य भी संपन्न होता हुआ देखा जा रहा है। आपको भाग्य से बड़ा लाभ भी होगा, आप निश्चिंत रहें। कुंभ राशि वालों, 3 पौधे अपने हाथ से जरूर लगाएं, किसी मंदिर के प्रांगण में या किसी धर्म स्थल पे। नौ का अंक सफेद रंग शुभ है। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। कर्म क्षेत्र में आप लगे रहें। कर्म क्षेत्र को अपना ही एक युद्ध क्षेत्र भी समझ लीजिए। कर्म क्षेत्र में डटे रहिए, बड़ा लाभ आपको जरूर मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि भी मिलेगी, नया व्यापार करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। ग्रह निर्माण का योग, संतोष के प्रति अति संतोष की प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकती है। मन आपका प्रसन्न हो सकता है। किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। भगवान सूर्य को लाल पुष्प चढ़ाएं, आदि देव को प्रणाम करें। 3 का अंक पीला रंग शुभ है। तो हमने जाना मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियों को। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। 29 मार्च 2023 अष्टमी तिथि का मान लगा है। आर्द्र नक्षत्र बुधवार का दिन, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, बुधवार श्री अष्टमी अत्यंत शुभ दिन। शुभ समय 12:03 से 12:52, राहु काल 12:26 से 1:59 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना नवरात्रि के पूजा कैसे करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524 पर। यह उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नवरात्र नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।